नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा और इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं भाषा और उर्मिलेश और आज इंडिया की बात में तीन मुद्दों की चर्चा हम करने जा रहे हैं मुद्दा नंबर एक इस समाज में महिला सुरक्षा अपने आप में कितना बड़ा मजाक बन गया है उसकी तीन मिसालें हमारे सामने हैं कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के एक मठाधीश दिन पर गंभीर आरोप पॉक्सो के अंतर्गत नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण कौन भूल सकता है किस तरह से झारखंड के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी नेता सीमा पात्रा के घर से एक आदिवासी लड़की मिली और उसको किस कदर टॉर्चर किया गया और साथ ही झारखंड में आपको याद होगा उस शाहरुख की तस्वीर जो निकल रहा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी उस पर आरोप कि उसने अंकिता नाम की लड़की को जला दिया इतना बड़ा अपराध और फिर भी वो मुस्कुरा रहा था मुद्दा नंबर दूसरा जो होगा वो ये कि हमने देखा कि केसीआर ने नीतीश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो दोनों विपक्षी एकता की नींव रख रहे हैं मगर क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी जा सकती है और मुद्दा नंबर तीन आपके सामने होगा झारखंड और दिल्ली की सरकारें एक बार फिर मोदी सरकार की एजेंसीज के निशाने पर गवर्नेंस कहां गया सरकारें अपना वजूद बचाने में लगी हुई हैं तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं महिला सुरक्षा की आप जानते हैं सबसे बड़े शर्मनाक बात क्या है कर्नाटक के वो जो मठाधीश है लिंगायत समुदाय का संत मैं कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि संत एक बहुत ही पवित्र शब्द होता है उस पर बहुत गंभीर आरोप हैं कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता येदुरप्पा ने उन्हें बेकसूर बता दिया है कांग्रेस ने कहा है कानून के हिसाब से जो है उन्हें सजा मिले हालांकि आपको याद होगा वही लिंगायत का मठ था जो राहुल गांधी के साथ बैठा और उन्हें कहा कि राहुल गांधी कल को जाके प्रधानमंत्री बनेंगे मगर जिस तरह से महिला सम्मान को लेकर सवालत पैदा हो रहे हैं उसने हमारे समाज को आईना दिखाया है क्या इस खबर का पंच शुरुआत करते हैं भाषा के साथ अभी इसमें मेरा सीधा सीधा मानना है जिस कर्नाटक के लिंगायत मठ के शिव मूर्ति मुर्गा की आप बात कर रहे हैं ये सीधे सीधे वही कड़ी है जहां हमें दिखाई दिया था कि बिल्किस के जो आरोपी थे बिल्किस के जो गुनहगार थे उनको जो लोग माला पहना रहे थे कड़ी सेम है यानी बलात्कारियों हत्यारों को सपोर्ट करने वाली जो सत्ता है जो भाजपा की एक पुरानी नीति रही है कठुआ से लेकर यहां तक वही हमें जमीन पर दिखाई दे रही है ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहा है जो झारखंड में कभी दिखाई देता है कभी मध्य प्रदेश में और कभी उत्तर प्रदेश में यह बलात्कारी मनुवादी व्यवस्था है सोच है जो ऊपर से लेकर नीचे तक महिलाओं के खिलाफ खड़ी हुई है क्या है इस खबर का पंच बताएं उर्मिलेश अभिसार मैं समझता हूं कि जो धार्मिक मठ या इस तरह के बहुत सारे अपने आप को आध्यात्मिक केंद्र कहने वाले जो प्रतिष्ठान हैं इनमें इस तरह की घटनाएं ये कोई पहली बार सामने नहीं आई हैं हमने असंख्य घटनाओं का सिलसिला देखा है हरियाणा से लेकर के और दक्षिण के तमिलनाडु में अनेक जगहों पर उत्तर प्रदेश में अनेक जगहों पर हमने देखा है मैं समझता हूँ कि धर्म के नाम पर ऐसे जो प्रतिष्ठान हैं वो तमाम तरह के कुकर्म करते हुए भी उन पर पर्दा पड़ जाता है और राजनेताओं द्वारा उनको सुरक्षित करने की कोशिश की जाती है उनका बचाव किया जाता है दुर्भाग्यपूर्ण है और इस खबर पर मेरा पंच यह है कि जब तक राजनीतिक आम सहमति नहीं बनेगी तब तक इस तरह की घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी क्योंकि जो तीन घटनाओं का जिक्र मैंने किया इनमें से कम से कम दो राजनीतिक पृष्ठभूमि की है तमाम राजनीतिक दलों से महिला जो नेत्री हैं उन्हें सामने आना पड़ेगा और इस पर व्यवस्था से सवाल करने होंगे मगर क्या हम स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमन से उम्मीद कर सकते हैं चर्चा को आगे बढ़ाते हैं भाषा जिस तरह से येदुरप्पा ने पॉक्सो के तहत जो आरोप हैं लिंगायत मठ के उस मठाधीश पर जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया से पहले उन्हें बेकसूर बता दिया मुझे याद आ रहा है कि जब राम रहीम को सजा मिल गई थी सांसद साक्षी महाराज ये कहते हैं कि जिन दो महिला विक्टिम्स ने बयान दिया मैं उनके बयान को सही मानूं या राम रहीम को सही मानूं इस कदर बेशर्मी जबकि वहां अदालत ने अपना फैसला सुना दिया था जी। राम रहीम आरोप भी नहीं आरोपी भी नहीं था गुनागार था गुनागार साबित हो और यहां पर आप देखिए वही बेशर्मी फिर से दिखाई दे रही है फिर से ताकतवर के साथ जो है व्यवस्था कड़ी है देश की सत्तारूढ़ पार्टी खड़ी है हम क्या उम्मीद कर सकते हैं देखिए और इसीलिए बहुत जरूरी है यह समझना जिस समय बिल्किस के जो गुनागार हैं जो कल्प्रिट थे उनको माला पहनाई जा रही थी विश्व युवक हिंदू परिषद वहां पर समारोह कर रहा था तब भी हमने यही सवाल उठाया था अभिसार और उस समय लोग चुप थे बड़े पैमाने पे क्योंकि उनको लग रहा था यहां मामला मुसलमान औरत का है और हम कह रहे थे ये भारतीय औरत का अपमान है अब आप देखिए कि यहां पर जो लिंगायत वाला मामला है यहां पर तो मामला सीधे सीधे उसी मठ में पढ़ने वाली नाबालिग बच्चियों का है जो कह रही है कि साढ़े तीन साल तक यह शख्स उनका यौन शोषण कर रहा था सिर्फ यही नहीं खजुराहो में देखिए जो मठ है वहां पर वहां पर भी इसी तरह से लवलेश तिवारी नाम का आदमी है जो छह महीने तक बलात्कार के आरोप में जेल में रहता है बाहर निकलता है तो मालाएं पहनाई जाती हैं। मैं सीधे सीधे सवाल यह पूछना चाहती हूं कि यह जो बलात्कारी मानसिकता है यह जो सोच है इसके साथ साथ जिस घटना का आपने जिक्र किया जो रोंगटे खड़ा करती है झारखंड से जो घटना है सीमा पात्रा जो भाजपा की नेता है और उनके घर में जिस तरह से एक आदिवासी महिला का आपने बात की तमाम और लोगों की स्मृति ईरानी की और निर्मला सीतारमन सहित तमाम लोगों का यहां तो मैं ये भी सोच रही थी कि हमारी पहली बार राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी महिला है जब एक आदिवासी महिला के साथ इतना बरबर -बर सुलूक होता है तब आखिर क्यों सन्नाटा छा जाता है ये जो पॉलिटिकल जो सन्नाटा जिसका जिक्र यहां भाषा कर रही हैं मैं सीधे तौर तो पर कहना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री हर मुद्दे पर कहते हैं मगर इस तरह के मुद्दे पर खामोशी बना रहते हैं चाहे बिलकिस बानो का मामला हो और बहुत वाजिब बात यहाँ भाषा ने कही उन्होंने क्या कहा कि बिल्किस बानो को लेकर कुछ लोग निजी तौर पर खुश थे कि मुसलमान महिला थी मगर इन तमाम चेहरों पर गौर कीजिए चाहे लिंगायत मटकाई मठाधीश हो चाहे कुलदीप सिंह सिंगर हो चिन्मयनंद हो चाहे राम रहीम हो इनके तमाम विक्टिम्स तो उर्मिलेश जी हिंदू महिलाएं थीं तब भी यह समाज खामोश रहेगा तब भी यह समाज तालिया बजाएगा जब किसी दूसरे धर्म की महिला के साथ ऐसा होगा और मालाएं पहना आ रहे हैं देखिए अभी सार अपने देश के जो धार्मिक प्रतिष्ठान हैं, रंग बिरंगे तरह तरह के कोई मैं एक धर्म के प्रतिष्ठान की बात नहीं कर रहा हूँ आमतौर पे धार्मिक प्रतिष्ठानों का एक कैरेक्टर बन गया है कि उनके राजनीति से गहरे गठबंधन है गहरे संबंध है राजनेताओं से भी और मैं समझता हूं कि धार्मिक प्रतिष्ठान मनुष्यता के पक्ष में नहीं है मनुष्यता से उनका जुड़ाव उतना नहीं है जितना राजनीति से है तो जब राजनीति और धार्मिक प्रतिष्ठानों का इतना मजबूत गठबंधन है हमारे समाज में तो उसमें से आप क्या सोचते हैं बहुत बेहतरीन बात कैसा है कैसा जंगल उभरेगा अपराध का ये अपराध का जो जंगल है मैं समझता हूं अगर देखा जाए उसकी पैदाइश जो है वो राजनीति और धार्मिक प्रतिष्ठानों के संश्रय से उनके गठबंधन से निकल रही है आप हरियाणा के एक तथा कथित महात्मा संत का जिक्र कर रहे हैं मठाधीज कह रहे हैं अच्छी बात है आपको याद दिलाएं वो एक वहाँ के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट उसी इलाके के उसकी निशंस हत्या के भी मामले में गुनागार है, है। गुनागार है और वो लगातार उनको एक्सपोज किया जा रहा था और सारे के सारे राजनेता र... उसके बाद भी उस मठाधीश का समर्थन कर रहे थे और वह भी मामला महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का था बलात्कार का था इसी तरह से दक्षिण के एक कथित मठाधीश वो तो विदेश भाग, भाग गया नित्यानंद विदेश भाग गया विदेश भाग गया उसने भगाने के पीछे बताइए यहां पर अभी सर मैं, मैं एक आंकड़े पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी जो एनसीआरबी का डाटा आया है मतलब ये हमारा आपका आंकड़ा नहीं है देश की सरकार का आंकड़ा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का uh, आंकड़ा है इसके मुताबिक महज एक साल में 20 फीसदी वृद्धि हुई है बलात्कार के मामलों में 20 फीसदी एक साल में 2020 से लेकर 2021 तक और 2021 में जो आंकड़ा है वो 31,677 रेप तीन सौ पैसठ दिन में यानी प्रतिदिन रेप, रेप और ये देखिए जो बलात्कार का कल्चर है ये बलात्कारियों को जब आप प्रश्रय देते हैं hmm. आप उनका एक पॉलिटिकल लाइनेज करते हैं कि आप नेता बन जाएंगे नेता hmm. आपके समर्थन में आएंगे hmm. आपको मालाएं पहनाई जाएंगी hmm. आपको सजा भी हो गई तो क्या हम तो आपको बचा लेंगे मैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं ऐसा नहीं कि 2014 से पहले इस देश में महिलाओं के लिए माकूल हालाते नहीं मगर 2014 के बाद पहली बार हमने देखा था कठुआ में एक आठ साल की मासूम के साथ इतना नशंस अपराध हुआ उसके साथ दुष्कर्म और हत्या करने वालों के पक्ष में रैलियां निकाली गई बीजेपी के प्रत्याशित है भाजपा के दो नेता उसमें शामिल थे मुझे तो सोचकर से रन पैदा होती है अगर अगर निर्भया कांड 2020-2019 में हुआ होता तो उसके जो दुष्कर्म या उसके हत्यारे थे उसके धर्मों को उनकी जातियों का जिक्र होने लगता बिल्कुल, बिल्कुल और उनके पक्ष में लोग आ जाते बिल्कुल और सर देखिए आप एक, एक बात बहुत ध्यान से देखने की है कि जो अभी भाषा आंकड़े दे रही थी इस दौर में जो गैंगरेप के मामले हैं जो रेप के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं कंट्रोल करने की बात तो दूर है तो आपने वायदा क्या किया था आपने वायदा किया था कि हम तो सुशासन लाएंगे बहुत रहता... हुआ नारी पर अत्याचार की बार मोदी सरकार बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बढ़ाओ सारी चीजें आपकी चल रही थी मैं तो देखिए अभी बाहर से आ रहा हूं मैं घूम करके चार पांच जिलों में मैं घूमा और मैं देख रहा हूं कि ग्रास आप शहरों की बात छोड़िए जो कस्बे छोटे हैं गांव हैं स्कूल डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं और लगातार दुराचार हिंसा की घटनाएं तेजी से हमारे समाज में बढ़ रही हैं मैं किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं हर स्टेट में साउथ के कुछ एक स्टेट को अगर छोड़ दिया जाए कर्नाटक की घटना जरूर है लेकिन साउथ में अभी भी लॉ एंड ऑर्डर नॉर्थ के मुकाबले बेहतर है तो ये पूरे देश को रेप लैंड बनाया जा रहा है क्या पूरे देश को एक क्राइम का एक महाद्वीप बनाया जा रहा है क्या ये बहुत भयान मुझे लगता है कि एक बिल्किस के मामले में बिल्कुल लास्ट में बिल्किस के मामले में भी देखिए आपने सही कहा माननीय प्रधानमंत्री जी मंत्री जी अब तक खामोश है अब तक खामोश है एक बार भी कमेंट नहीं किया गया इतने सारे लोगों ने पूरे देश में दुनिया भर में कमेंट किया गया है बट दे आर द हाइएस्ट ऑफिस ऑफ दिस कंट्री एंड दे आर कीपिंग साइलेंट क्योंकि और जानते हैं जैसे येदुरप्पा को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए और बीजेपी को कंपेल करना चाहिए कि वो में प्रमोट किया गया उनको माफी तो बहुत दूर की बात है उन्हें ऐसा लगता है कि उस लिंगायत मठ के समर्थन में अपनी बात कह के उन्हें वोट्स मिलेंगे मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपको याद है झारखंड के दुमका की एक और तस्वीर शाहरुख नाम के एक युवक पर आरोप लगता है कि वो अंकिता नाम की लड़की को जला देता है और जब पुलिस उसे मीडिया के सामने से ले जाती है उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है वो मुस्कान सिहरन पैदा करने वाली है वो मुस्कान प्रतीकात्मक है कि महिला सुरक्षा को एक करारा तमाचा यह आदमी मार के जा रहा था इससे पता चलता है कि महिला सुरक्षा इस समाज में कितना बड़ा मजाक है और ये वो समाज है जो ढोंग करता है देवी देवताओं देवियों की बात करता है और इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आता है महिला सम्मान की बात करता है और सीमा पात्र की बात करें सीमा पात्र तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को शायद उनकी कुछ प्रकोष्ठ इंचार्ज थी ये सब था महिला सेल में थी सब कुछ सारी चीजें चल रही थी देखिए मुझे जो आप कह रहे हैं अभिसार उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शाहरुख वहां हंस रहा है ठीक वैसी ही घटना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी होती है जहां गला दिया यानी ये पूरा का पूरा जो उर्मिलेश जी कह रहे हैं ये ध्यान दीजिए कि जो पूरी संस्कृति है वह मनुवादी संस्कृति है जहां बलात्कारियों हत्यारों और महिला पे हिंसा करने वाले यौन हिंसा करने वाले लोगों को पूजना गारलैंड करना क्योंकि एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं है बिल्किस के आरोपियों को जिन लोगों ने किया हत्यारों ने और बाकी जो लोग रेपिस थे सवाल पूछा जाना चाहिए था समाज द्वारा कि आप कैसे इनको आपको दिखाता हूं फर्क जो उसमें यह है कि बिल्किस को लेकर किसी महिला पत्रकार ने पापा की उन तमाम परियों ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मेरे जैसे या भाषा या उर्मिले जैसे सवाल पत्रकार पूछ सवाल पूछते हैं तो बौखला जाती हैं पापा भी की कोई भी परी बिल्किस के पक्ष में कोई सवाल नहीं किया एक का एक का एक दुक्का कोई आ गई होंगी वो एक अलग बात है मगर आप जानते हैं जब बात शाहरुख की आई तो उसको लेकर बहुत बवाल हुआ उसके लव जिहाद से भी जोड़ दिया गया जबकि जमीनी हकीकत वैसा कुछ नहीं था अंकिता के साथ इंसाफ होना चाहिए मगर मीडिया का भी तेवर देखिए कवरेज देखिए जो किस तरह से सामने दिखाई देता है चलिए अब हम दूसरे मुद्दे की तरफ रुख करते हैं और हमारा जो दूसरा मुद्दा है वो है विपक्षी एकता जी हां केसीआर नीतीश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मगर उसमें बहुत असहजता दिखाई देती है जब वो प्रधानमंत्री पद के चेहरे की बात करते हैं मीडिया सवाल पूछता है तो नीतीश को झेप से जाते हैं कहते हैं अरे इसकी पूछने की जरूरत नहीं है मगर बड़ा सवाल ये कि क्या विपक्ष वाकई चुनौती देने को तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को क्या इस खबर का पंच बताएंगे उर्मलेश अभी सर मैं समझता हूं कि मैं इसलिए नहीं कि मैं कि किसी विपक्षी दल का समर्थक हूं और या विपक्षी दलों के बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस हो इसका कोई मैं आकांक्षी हूं मैं डेमोक्रेसी का आकांक्षी हूँ और डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष का होना मजबूत होना बहुत ज़रूरी है इसलिए भी मेरा मानना है कि विपक्षी एकता समय की जरूरत है भारत में विपक्षी एकता इसलिए जरूरी है क्योंकि विपक्ष मजबूत होना चाहिए रही बात नेतृत्व की मेरा मानना है कि मौजूदा दौर में नेतृत्व तो अगर सीधे तय नहीं भी होता है तो यह कोई बुरी बात नहीं है आप एजेंडे के साथ आइए आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ आइए और फिर बाद में नेता चुन सकते हैं ऐसा मेरा मानना है भाषा बताइए इस खबर का पंच क्या है? देखिए मेरा मानना बहुत साफ है अभी कि इस पूरी पहल का स्वागत है विपक्ष को जिंदा रहने के लिए हाथ मिलाना ही होगा यह तकरीबन लिखा हुआ है दीवार पर लेकिन इसी के साथ साथ यह गैर कांग्रेस गठबंधन के तौर पर जो कोशिश हो रही है कि एक ऐसे नेता को सामने लाकर चेहरों की जो लड़ाई चल रही है वह एक तकलीफ दे है और दूसरी तरफ यह मानना कि इसमें कांग्रेस एक प्लेयर नहीं होगी कुछ लोग प्लेयर होंगे शायद यह बीजेपी को समर्थन करने वाली या बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएगी कि विपक्ष आपस ही में लड़ रहे हैं उनमें एकता नहीं है अभी मकसद उनका साफ होना चाहिए कि लोकतंत्र को बचाना है देश को बचाना है अभिसार क्या है इसमें आपका पंच इस खबर पे मेरा पंच यह है कि इस मोर्चे का मकसद सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना है क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस इस क्षेत्रीय दलों के मोर्चे पे ऐसे कई दावेदार हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं चाहे वो केसीआर हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे ममता बैनर्जी हो इन सब की अपनी उम्मीदें हैं नीतीश कुमार को भी उस दौड़ में पेश किया जा रहा है तो मकसद सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाकर हम वहां काबिज हो जाए क्योंकि वैसा हो भी नहीं सकता है मकसद ये होना चाहिए कि आप एक विकल्प दे पाए एक राष्ट्रीय विकल्प दे पाएं एक नेशनल ब्लू दे पाएं मैं आपको एक मिसाल देता हूं 2014 में ढेरों नारे बीजेपी ने दिए थे वो नारे बहुत लोकप्रिय हुए थे अब वो नारे लागू नहीं हुए हुए एक अलग मुद्दा है मगर वो नारे बहुत लोकप्रिय हुए थे और जनता में उसने मौजूदगी भी दर्ज की थी चलिए इस खबर को आगे बढ़ाते हैं उमेश जी दिक्कत इस मोर्चे के साथ ये है कि हर एक की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमने देखा था जहां पूछा गया था के सी से कि भाई आप नीतीश जी को समर्थन करते हैं क्या राहुल गांधी के बारे में भी सवाल किया गया तो वो एक किस्म का कॉमेडी शो हो गया था यानी कि नीतीश खड़े हो गए उन्हें मना कर रहे थे तो ये असहजता ही बताती है कि ये जो चुनौती मिल रही है बीजेपी को इसमें क्या दिक्कतें नहीं देखिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है कि इतने सालों से विपक्ष बिखरा हुआ है अपने देश में उसमें जैसे यूनाइटेड फ्रंट था या यू पी था यू पी के समय एकता काफ़ी स्ट्रांग थी यू पी में उतनी स्ट्रांग एकता नहीं थी हम सब जानते हैं कि लेफ़्ट फ्रंट जो एक समय इस तरह के मोर्चों का सीमेंटिंग फोर्स हुआ करता था लेफ्ट फ्रंट वो उससे बाहर हो गए थे और बहुत बुरी सरकार चली यू पी ए टू यू पी ए टू वॉज वर्स्ट काइंड ऑफ गवर्नेंस उसमें बहुत सारी दिक्कतें उसकी थी तो मेरा ये मानना है कि चूंकि एक बिखराव रहा है पहले तो एक वक्त लगेगा नए ढंग की यूनिटी को इवॉल्व होने में क्योंकि अभी के दौर में अगर आप देखें तो लेफ्ट जो एक सीमेंटिंग फोर्स का काम करता था एक जमाने में वो आज उस ताकत के साथ मौजूद नहीं है mm. तो ऐसे में बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं एक दौरान एक दौर में आपने देखा ममता बनर्जी प्रयास कर रही थी अभी के काफी व्याकुल हैं कि भाई विपक्षी एकता बने नीतीश जी भी कूद पड़े हैं मैदान में मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है मैंने जैसा पहले कहा कि, mm. कि किसी विपक्षी दल का मैं समर्थक नहीं हूं लेकिन मैं विपक्ष का इसलिए समर्थक हूं कि डेमोक्रेसी का समर्थक तो एक सेकेंड तो मेरा यह मानना है कि ये जो प्रयास हो हैं ये प्रयास स्वागत योग्य हैं इनको नेता नहीं तय करना चाहिए जैसा आपने भी कहा अपने पंच में इनको इश्यूज तय करने चाहिए इनको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए रही बात जो कांग्रेस की कांग्रेस को जैसा उन्होंने कहा कि ये मेन फ्रंट होगा कांग्रेस विल बी द पार्ट ऑफ दिस फ्रंट कांग्रेस की भाषा वही वही मुद्दा है मैंने बात कही कि भाई आप एक राष्ट्रीय ऑल्टरनेटिव लाइए मगर तेलंगाना का एक दल कैसे एक नेशनल ऑल्टरनेटिव पेश करेगा उत्तर प्रदेश में रहने वाली जनता को वो तभी संभव होगा जब आपके सामने एक राष्ट्रीय दल हो जी कांग्रेस की जितनी भी बदतर हालत हो रही हो वो अब भी एक राष्ट्रीय दल है और एक राष्ट्रीय विकल्प है कई स्टेट्स में चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो गुजरात हो हिमाचल हो और एकमात्र है मैं जानता हूं कि हिमाचल और गुजरात में आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है मगर कांग्रेस के बगैर ये संभव कैसे है देखिए एक दूसरी चीज की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाऊंगी इसका सवाल का जवाब वहां पर है आप देखिए कि ये सवाल कौन पूछता है हम्म ये सवाल अपने आप में भाजपा को मदद पहुंचाने वाला है और ये स्थापित करने वाला है कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं जो मीडिया ये जाता है सवाल लेकर नीतीश जी के पास या केसीआर के पास या ममता के पास वो उसमें इनबिल्ट है कि भाई यहां पे इनको डिवाइड कर देंगे मजाक कि क्या अरे भाई अभी ये लोग साथ आए हैं साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एक सवाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताइए जिसने पूछा हो कि आप हाथ मिला के चुनाव लड़ेंगे आपके पास ये अल्टरनेटिव है आप ये ब्लू प्रिंट लाए जिसके जिक्र आप और हम कर रहे हैं ये जो गोदी मीडिया बैठा हुआ है वह चाहता है कि जब भी विपक्ष हाथ जोड़े तब वो ये सवाल ले आए कि अच्छा जी आपका चेहरा होगा या आपका चेहरा होगा वो विपक्षी एकता की बात ही नहीं होने देता नहीं। तो ये जो एक पूरा उनका फुटबॉल मैच हो जाता है कि वहां पर एक दूसरे को आप भिड़ाते रहे मुझे लगता है इससे सबक सीखते हुए विपक्षी एकता की जो भी दल बात कर रहे हैं उनको ये कहना चाहिए कि दो हजार के लिए हम ये ये काम करेंगे इसमें ये ये दल हमारे साथ हैं और उसके बाद चेहरा आएगा और निश्चित तौर पर एक नेशनल अल्टरनेटिव डेवलप किए बिना पॉलिसी आधारित और लोकप्रिय नारों आधारित डेवलप किए बिना आप आ, सिर्फ चार पांच चेहरों के मिलन को आ, विपक्षी एकता नहीं बता पाएंगे उर्मिलेश जी देखिए दिक्कत क्या है कि आ, तमाम क्षेत्रीय दल वो वजूद का संकट का सामना कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तेवर क्या है यह भी हम जानते हैं जेपी नड्डा साहब पटना गए थे उन्होंने वहां पर साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे मजबूत होगी विपक्ष खत्म होता जाएगा यानी कि भाजपा का मकसद साफ है कि उन्हें देश का संगीत ढांचा खत्म करना है क्योंकि जब आप क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की बात करेंगे तो संगीत ढांचा कैसे बचेगा और यह कैसे किया जा रहा है राजनीतिक तौर तो पर नहीं यह किया जा रहा है एजेंसी के जरिए एक तरफ एजेंसीज की चुनौती दूसरी तरफ राष्ट्रीय तौर पर एक चुनौती देना कितना मुश्किल काम है ऐसे में विपक्ष के लिए काफी मुश्किल है नामुमकिन है एक तरह से चुनौती देना नहीं, नहीं, यह निश्चित रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण काम है लेकिन मैं एक आप लोगों की जो बातचीत है उसमें एक मैं पहलू जोड़ना चाहूंगा कि देखिए अपने देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिनका एक नेशनल परस्पेक्टिव है वो एक राष्ट्रीय क्षेत्रीय पर वो थोसते हैं और उनकी अपनी धारणाएं हैं अपने विचार हैं आप उनसे सहमत हों असहमत हों आज की तारीख में अगर आप देखें तो लेफ्ट का भी एक बड़ा हिस्सा क्षेत्रीय जैसा हो गया है लेकिन उनके पास एक तो नेशनल अतीत में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मोर्चे बने जिसकी जिसकी पाल टी ली थी बाद में चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों ने ली हरकिशन सिंह सुरजीत अगर ना होते तो आप समझ लीजिए कि मोर्चेबंदी का एक बड़ा दौर ही शुरू ना हुआ होता वो सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी उस दौर में थे तो हमारा ये कहना है कि जो मोर्चेबंदी की एक शुरुआत हुई है ये, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये अभी केवल आखिरी है है मैं वो एक, एक नहीं, नहीं, है। उसने उसने एक शुरुआत मैं, आपसे सवाल पूछना पूछना चाहता चाहता हूं हूं काउंटर से हाँ। 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 देखिए आप जिस दौर की बात कर रहे हैं वो दौर और आज का दौर बहुत बड़ा फर्क है एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि हम एक ऐसे दौर में आ गए जहां एक व्यक्ति का महिमा मंडन किया जाता है लार्जर देन लाइफ छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेश की जा रही है तो जिस राजनीति का आप जिक्र कर रहे हैं जो कि नब्बे के उत्तरार्ध में हुई क्या वो तुलना बेमानी नहीं है उर्मिलेश जी ये जो आप तुलना कर रहे हैं वही बेमानी लगती है मुझे नहीं अभी सर ऐसा नहीं है इसलिए नहीं है कि जो अभी जो स्थितियां अपने देश में हैं कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का जो मुकम्मल विरोध है बहुत कामयाबी के साथ वो क्षेत्रीय दल ही कर रहे हैं आप अगर देखें कांग्रेस पार्टी जो है निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है और नेशनल लेवल पर कोई भी बड़ी मोर्चेबंदी कांग्रेस के बगैर संभव नहीं होगी इसके बावजूद कि उसकी जो एक उसकी नेशनल लीडरशिप बहुत इफेक्टिव नहीं है इसके बावजूद लेकिन आप देखिए तमिलनाडु तमिलनाडु न केवल बीजेपी का मुकाबला कर रहा है बीजेपी संपोषित ए आई का बल्कि वो एक अल्टरनेटिव इकॉनमी अल्टरनेटिव सोशल थिंकिंग अल्टरनेटिव सोशलॉजी भी लेकर आ रहा है उसी तरह से विजयन की जो पार्टी है सीपीआईएम केरल में वो लगातार एक वैकल्पिक नीतिगत अपने फ्रेमवर्क के साथ काम कर रही है ठीक उसी तरह से आप देखिए हाँ, बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय दल हैं मैं तो कहता हूं कि गवर्नेंस के भी मॉडल के लेवल पर शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने बेहतर परफॉर्म किया था लोगों को पूरे देश में एक प्रभाव गया था कि देखिए साहब कोरोना में कैसे उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया बिल्कुल मुंबई जैसे मगर, में। मगर, मगर और इसी से जुड़ा आज का मेरा तीसरा मुद्दा है आपने उद्धव ठाकरे का जिक्र कर दिया उस उद्धव ठाकरे का क्या हर्ष हुआ सब जानते हैं आज शिवसेना अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है क्यों क्योंकि वहां प्रवेश हो गया मोदी सरकार की एजेंसीज का ईडी का प्रवेश हो गया इनकम टैक्स का हो गया सीबीआई का हो गया और उसी से लड़ाई लड़ रही हैं दिल्ली और झारखंड की सरकारें और यही इंडिया की बात का हमारा तीसरा विषय है झारखंड में मुख्यमंत्री कभी अपने विधायकों के साथ पिकनिक मनाते हैं उन्हें बचाने के लिए कहीं उन्हें छत्तीसगढ़ भेज देते हैं और दिल्ली में आप देख रहे हैं किस तरह का ड्रामा चल रहा है अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मनीष सिसोदिया कहते हैं मैंने मोदी जी का जवाब दे दिया ये सब के जरिए गवर्नेंस तो नहीं हो रहा है ना क्या है इस मुद्दे का पंच बताएं सर uh, मैं मानता हूं कि झारखंड रियली एक गंभीर मसला है बहुत ही मह, महत्वपूर्ण मसला है और केंद्र सीधे सीधे झारखंड की सरकार को नेस्तनाबूत करना चाहता है उसको उसको टॉपिल करना चाहता है क्यों क्योंकि झारखंड आई मीन जादुई ज़मीन का अंधेरा है एक ऐसा अंधेरा जहां की जमीन के नीचे अवरक है कोयला है तमाम तरह के मिनरल्स हैं और इस पर देश के कारपोरेट की निगाहें हैं इसलिए मोदी सरकार को ज्यादा चिंता झारखंड की है कि कैसे उनकी पार्टी फिर से वापस आए रही बात दिल्ली की मैं आपके ड्रामा शब्द में एक केवल शब्द जोड़ ले, जोड़ता हूं सियासी ड्रामा है दिल्ली में सियासी ड्रामा है उतना ठोस नहीं है जितना कि झारखंड में है भाषा बताएं क्या है इस खबर का देखिए अभी साल इसमें मेरा मानना है कि लाल किले से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अगले 25 सालों के लिए सोचना होगा तो मुझे लगता है कि अगले 25 सालों में देश का जो जियोग्राफिया है जहां पे जो राज्य सरकारें हैं वो जिस तरह से विपक्ष मुक्त भारत की बात कर रहे हैं उसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे कैसे जमीन पर उतारेंगे इसकी एक सबसे जीता जागता एग्जाम्पल झारखंड में दिखाई दे रहा है जहां झारखंड में एक जगह से दूसरी जगह विधायकों को लेकर आ जा रहे हैं और एक संदेश मतदाताओं को दिए जा रहा है कि अगर आपने हमारे अलावा किसी को वोट दिया तो हम उसका हश्र यह कर देंगे उन्हें सत्ता नहीं स्थापित ये एक बहुत खतरनाक है भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या है इसमें आपका पंच देखिए इसका पंच सिर्फ एक है इसके जरिए देश के संघीय ढांचे को पूरी तरह से निस्तनाबूत करने बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और कोई और पंच नहीं है कुछ लोगों को वो तस्वीरें देख के हंसी आती है मुझे भी वो कॉमेडी लग रही थी जिस तरह से हेमंत सोरेन एक जगह से दूसरी जगह अपने विधायकों को ले जा रहे हैं मगर सोचिए है, उसके मर्म में एक त्रासदी है कि लोकतंत्र किस तरह से घिसट रहा है इन तमाम राज्यों में मैं नहीं भूला हूं उर्मिलेश जी अस्सी का वो दौर था अस्सी की शुरुआत का दौर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने एक साथ नौ सरकारें बर्खास्त कर दी थी उन्होंने भी अपने अधिकारों का अपनी ताकतों का बेजा इस्तेमाल किया साम दाम दंड भेद से मगर यह सरकार जो कर रही है लगातार सरकारों में अस्थिरता शुभिंदु अधिकारी जो हैं पश्चिम बंगाल के आ, विधायक वो अमित शाह से मिलते हैं और कहते हैं कि मैंने डेढ़ सौ विधायकों की लिस्ट दी है देखना उन पर काम होगा वो ममता बनर्जी इनके पास दो विधायक हैं वहां पर भी आप अस्थिरता कर रहे हैं झारखंड में भी आप अस्थिरता करते हैं ऐसे में गवर्नेंस कहां होगी बिल्कुल और ये एक इसलिए भी महत्वपूर्ण अभिसार ये ये प्रश्न हो गया है कि आप किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को जीवित नहीं रहने देना चाहते तो होगा क्या फिर भारत एक दलीय लोक एक, एक दलीय तंत्र में एक तब्दील हो जाएगा जैसा दुनिया के कई मुल्कों में है तो हमारे संविधान में बहुदलीय लोकतंत्र की धारणा है हमारे यहाँ जिस तरह की स्थितियाँ हैं उसको बिल्कुल टोटली चेंज करने की कोशिश मौजूदा सरकार कर रही है तो पहले के सत्ता पलट या पहले की सरकारों को बेदखल करना या उनको टॉपिल करना और आज के टॉपिल करने या सत्ता की बेदखली का ये एक बड़ा फर्क है कि मौजूदा जो निज़ाम है वो चाहता ही नहीं कि कोई दूसरी पार्टी खड़ी रहे और, और उर्मिलेश जी उस वक्त पत्रकारिता भी कर रहे थे एज अ sure पत्रकार उन्होंने इसकी आलोचना की होगी मगर आज का मीडिया भाषा इसे मास्टर स्ट्रोक बताता है इस चोरी को इस सीना जोरी को इस राजनीतिक अपराध को मास्टर स्ट्रोक का नाम दिया जाता है जब महाराष्ट्र में सरकार गिराते हैं तब तो कहते हैं कि देखिए किस तरह से मैनेजमेंट किया जा रहा है किस तरह से वहां से गोवा ले जाया जा रहा है गोवा से चार्टर्ड प्लेन से उनको आसाम ले जाया जा रहा है और जब हेमंत सोरेन अपने विधायकों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उपहास मनाया जाता है यही नहीं तो मुझे न, लगता मैं है नहीं कि मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं बिहार में नीतीश को एक बार भी रिजोर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी और पटखनी मुंह की खानी पड़ी बीजेपी को

इतना मल्टी कल्चरल भारत है इतनी तरह की सोच खान पान रहनावा पहनावा सब आप एक ही रंग में रंगना चाहते हैं आप चाहते हैं कोई विपक्षी ना रहे ये लोकतंत्र के खात्मे की तरफ बढ़ता हुआ भारत है जिसमें आप विपक्ष की किसी भी सरकार को बिल्कुल किसी भी तरह और, से चलने नहीं देना और चाहते। मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा पटना में जाकर जेपी नड्डा कहते हैं उस वक्त जब इनकी नीतीश कुमार के साथ सरकार थी जेपी नड्डा जाकर कहते हैं कि जैसे जैसे भाजपा बढ़ेगी वैसे वैसे क्षेत्रीय दल खत्म होते जाएंगे तो भाषा ने बहुत वाजिब बात कही कि आपको समझना पड़ेगा भारत क्या है भारत के बारे में जो चीज कही जाती है कि बिल्कुल सही है उसका उल्टा भी बिल्कुल सही होता है ये खूबसूरती इस देश की आकाश भाजपा इस बात को समझ पाए बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों इंडिया की बात में शरीक हुए अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत नमस्कार